नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिजनेस कैसे करें, मैं आज आपको कैंडी यानी टॉफी के बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। कन्फेक्शनरी के आइटम बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। जो भी कैंडी क्रश सागा खेलता है मोबाइल पे, मैं समझता हूँ उसको तो छोड़िए, हर आयु वर्ग के व्यक्ति को कैंडी बहुत पसंद होती है। इतनी ज़्यादा इस प्रोडक्ट की डिमांड है और मार्केट 10,000 करोड़ रुपए का कन्फेक्शनरी मार्केट है दोस्तों हिंदुस्तान में केवल, और ग्रोथ रेट 12% की है मौजूदा समय में। आने वाले समय में 15-20% की ग्रोथ रेट होने वाली है इस कारोबार की। तो अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैंडी कैसे बनती हैं, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने वाला हूं, साथ साथ आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी मशीनें आपको चाहिए कैंडी बनाने के लिए, क्या क्या लाइसेंसेस की ज़रूरत हो सकती है और कैसे आप मार्केट तलाश सकते हैं, कितनी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और दोस्तों, अच्छी लग रही है तो अभी से लाइक कर दीजिए, साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन, लाल बटन दबा के दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी पहले से ही हो जाए। तो बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। दोस्तों, कैंडी का बिजनेस करने के लिए आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। 1000 फीट या 1200 स्क्वायर फीट के एरिया से आप शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए आपको, चाहे सिंगल फेज हो चाहे ट्रिपल फेज हो, जो कमर्शियल लाइसेंस होता है। इसके अलावा आपको ट्रेड लाइसेंस ये हो सकता है या फैक्ट्री लाइसेंस हो सकता है, पर जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सबसे पहले GST रजिस्ट्रेशन की है। FSSAI यानी कि फूड का लाइसेंस आपको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ लेबर चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए। इन्वेंट्री के लिए कुछ स्पेस चाहिए होता है, जिससे कि आप अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर पाएँ। रॉ मटेरियल रखने के लिए स्पेस चाहिए होता है और मशीनरी यानी कि प्लांट्स के लिए कुछ स्पेस चाहिए होता है। दोस्तों, कैंडी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीन चाहिए उसमें आपको पहले वाटर स्टोरेज टैंक चाहिए, नीडिंग मशीन चाहिए, कैंडी वैक्यूम कुकर चाहिए, रोप साइजर, कूलिंग कन्वेयर, सर्कुलेटिंग वाटर टेबल, कैंडी बैच फॉर्मर, रोटेटरी मोल्डिंग मशीन और रैपिंग मशीन जैसी आपको मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कुछ आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शुगर यानी चीनी, लिक्विड ग्लूकोज चाहिए, मिल्क पाउडर चाहिए अगर आप कुछ मिल्क बेस्ड कैंडीज बनाते हैं, वाटर चाहिए पानी, फूड फ्लेवर या एडिटिव जो आप डालेंगे, और उसके अलावा सिट्रिक एसिड जिससे आपको कुछ खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। दोस्तों, कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। इसमें जो कैंडी कंपाउंड होता है उसको वैक्यूम बैच कुकर या कॉन्टीन्यूस वैक्यूम कुकर होता है, उसमें बॉयल किया जाता है, पकाया जाता है, और जब ये कंपाउंड जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाता है तो उसको सर्कुलेटिंग वाटर कूलिंग टेबल पे कूलिंग के लिए इकट्ठा किया जाता है, उस पर हम डाल देते हैं। और ये जो टेबल होती है बहुत ही फ्लैट होती है, और इसमें इस स्टेज पे आके जो भी आपको इसमें कलर मिलाना हो, फूड कलर्स होते हैं, जो भी अपने टेस्ट के हिसाब से जो एडिटिव्स होते हैं उनको वो मिलाया जाता है, और इस कंपाउंड को रोटरी नीडिंग मशीन से आगे पास कराया जाता है, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से ये जो कंपाउंड हमने मिलाए हैं या एडिटिव्स मिलाए हैं वो अच्छे से मिल जाएँ। और उसके बाद जो कैंडी कंपाउंड होता है वो अच्छे से मिक्स होकर ठंडा हो जाता है, तो उसे जो बैच फॉर्मर मशीन होती है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो बैच फॉर्मर मशीन के बाद में इस जो मिक्स कंपाउंड होता है उसको एक रोल शेप बन जाती है जब हम इस बैच फॉर्मर मशीन से गुजारते हैं तो। और उसके बाद जो कैंडी होती है इसको रोल को रोप साइज़र मशीन में डाला जाता है, ताकि जो जिस तरह के भी आप रोप्स तैयार कर रहे हों कैंडी के वो तैयार किए जा सकें। और उसके बाद इनको मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ पे तरह तरह के आकार आप दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं, या वेट के अकॉर्डिंग जो है अपनी कैंडी बना सकते हैं। और उसके बाद कैंडी को जो कूलिंग कन्वेयर होता है उसमें डिस्चार्ज किया जाता है और ठंडा किया जाता है, और उसके बाद इसकी रैपिंग किया जाता है। फिर रैपिंग करने के बाद में इसकी पैकिंग करके इसको मार्केट में आप बेच सकते हैं। बहुत आसान सी प्रक्रिया है दोस्तों। कैंडी मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी अच्छी फूड आर्ट है, मैं समझता हूँ। जापान में तो लोग बड़े खूबसूरत शेप्स की, कलर्स की कैंडीज़ बनाते हैं,
आप खुद अपनी कैंडीज़ पे अपनी जो कलाकृतियां हैं वो बना सकते हैं, अपनी शेप्स अपने फ्लेवर्स में अपने कलर्स में बना सकते हैं, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आपके प्रोडक्ट लोगों को भाए तो आप जो बहुत ही बड़े बड़े एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उनसे भी आगे निकल सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करता है आपके टेस्ट पे, आप कैसे बनाते हैं। तो जब भी आप बनाएं हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, अच्छी रैपिंग और पैकिंग करें। पैकेजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि किसी भी ब्रांड को वो रिफ्लेक्ट करती है। तो जो आप उसके जो ग्राफिक्स बनवाएं वो बहुत अच्छे से बनवाएं, थोड़ी ब्रांडिंग अच्छी हो, नाम अच्छा हो। आप चाहें तो अपना नाम अपना ब्रांड खुद रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए आप CA की मदद ले सकते हैं। GST हो, फैक्ट्री लाइसेंस हो, ट्रेड लाइसेंस हो, ये सब आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों। तो बिना आप ज़्यादा सोचे मैं समझता हूँ इस बिज़नेस के बारे में अच्छे से स्टडी कर लीजिए और उसके बाद में अपना बिज़नेस आप शुरू कर लीजिए। दोस्तों कैंडी मैन्युफैक्चरिंग कन्फेक्शनरी का बिज़नेस बहुत पुराना बिज़नेस है और कंपटीशन भी बहुत है, पर आप कंपटीशन से बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि आपके प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक हो सकते हैं। उनका टेस्ट, उनका फ्लेवर, उनका कलर, उनकी शेप हो सकता है आम जनता को, भारतीय जनता को बहुत पसंद आए, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं कर सकते, हो सकता है वो आप कर लें। तो आप बिल्कुल डरिए मत, शुरुआत करिए। जैसे अगर मैं बात करूँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो अभी मौजूदा समय में हमारे देश में हैं, तो उनमें पार्ले है, उसमें फ्रेरो ग्रुप है, नेस्ले है, हर्षी ग्रुप है, अमूल है, लिंड एंड स्पुंगली है, लोटे है, पेट्रा फूड्स है, मार्स इनकॉर्पोरेशन है, कैडबरी है, परफेक्टी वन मेलर है, क्राफ्ट फूड है, कुपा चिप्स है, तो ऐसे बहुत सारे, कैडबरी तो है ही, तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आपको मिलेंगे मार्केट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। तो आप भी कोशिश करिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिज़नेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करिए, साथ साथ शेयर करिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी रोज़गार मिल सके दोस्तों। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए दोस्तों, जिससे आपको जो भी नया वीडियो आए हमारा उसकी जानकारी आपको पहले मिल जाए। तो आपसे विदा लेता हूँ, आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और YouTube पे देखते रहिए बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।